जय जगन्नाथ। कल्पवट शाखा छिड़ी पड़ से काले प्रभुंर कल्पवट शाखा गत दुई वर्ष तले वर्षे तले कल्पवट शाखा भांगी पड़ा तेणुक कल्पवट शाखा जिते भांग श्रीक्षेत्र नाना अनीति अन्याय हे आँ हम ना से प्रभु को चली थी के रुद्र ठार ऊनविंश प्रभु को एगार वर्ष हो बर्तमान प्रभु को एगार वर्ष टू अधिका हो गलाणी शास्त्र अनुसार मालिका अनुसार तेणुक कल्कि बयस एगार टू अधिका हो सारे प्रभु अवतार नहीं सारी धर्म संस्थापना बाकी अच्छी महापुरुष कहे जो प्रभु को एगार वर्ष होते कल्पवट शाखा भांग जदि प्रभु को एगार वर्ष होनी जदि कल्कि अवतार होना प्रभु धर्म संस्थापना समय होनी ताल हे ज्ञानीगुणी विचार करार समय अच्छी जगन्नाथ कल्पवट शाखा भांगा केमी कहे कल्पवट शाखा छिड़ी पड़ से काले तेणुक कल्पवट शाखा के छिड़ब ना रुद्र ठारू ऊनविंश रुद्र हूँ एगार एगार टू उन्नीस वर्ष मध्य प्रभु को जिते एगार वर्ष आरंभ हे एगार वर्ष पूरी को जाऊ समय कल्पवट शाखा भांग श्रीक्षेत्र नाना अन्याय अनीति एवं व्यभिचार बढ़ो जितेबले से भाई परिस्थिति हे बड़ देउल मुहि नरहीण वीर बाहर हो देखी नर अत्याचार कहे बड़देल रही ना बड़देल मुझ छाड़ीदेवि मनुष्य मान अत्याचार देखिक मत भल लगे कहीं एपटे अवतार समय धर्म संस्थापना समय हो तेणुक धर्म संस्थापना कम निजक निजोग करी तेणुक कहे बड़ देउल मुहि नरहीण वीर बाहर हो देखी नर अत्याचार जगन्नाथ नीलांचल छाड़े नरदेह धारण करेंगे प्रभुंर अवतार धर्म संस्थापना कलिकलमस उद्धार करके सत्य युग में नहीं पहुँचेगा तेणुक भक्तमान को उद्धार करने महापुरुष अच्युतानंद 64 पटल ये समस्त बरणी लिखि आज अक्षर अक्षर मालिका कथा प्रमाण हो पुनर्बार महापुरुष अच्युतानंद महामहिमा पद्मटिका सगर से प्रभुंर अवतार सम्बन्ध में लिखिले संबल ग्रामर उत्तर पार्श्वरे विष्णु शर्मा दिजवर ताहार घरणी जशोवंती राणी बराह क्षेत्र मध्यर हेले संबल ग्रामर उत्तर पार्श्वरे विष्णु जशा दिजवर अर्थ विष्णु को जशगान करुवा यज्ञ शर्मा ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्राह्मण घरे प्रभु अवतार नेबे कोठी ना जो संबल ग्राम बीरजा पूर्व भाग गुप्त संबल से गुप्त संबल कौपाठ पटे प्रभुंर घर हो संबल ग्रामर उत्तर पार्श्वरे प्रभुंर उत्तर पटे घर हो पूर्वरे हो पश्चिम हो दक्षिण हो अवतार होते जो प्रभु प्रभुंर घर उत्तर पार्श्वरे थी तेणुक कहे ताहरणी जशोवंती राणी बराह क्षेत्र मध्य प्रभुंर माँ का घर यज्ञ बराह जो आम लक्ष्मी बराह आली राजकनिका जो रही जो लक्ष्मी बराह अच्छा से पांचकोशी मध्य प्रभुंर माँ का घर हो महापुरुष लिखले कहे ताहरणी जशोवंती राणी बराह क्षेत्र मध्यर तेणुक प्रभुंर माँ का घर थी बराह क्षेत्र मध्य प्रभुंर घर संबल ग्राम बीरजा पूर्वभाग एवं उत्तर पार्श्वरे प्रभुंर संबल ग्राम घर हो जनम लभिवे गुप्तरे थे कही न चिन्हे जनम भकत मानू अदृश्य हो कारण ज्ञान महापुरुष पुनर्बार कौन कहे जन्म लभ लभे गुप्तर थे प्रभु सिना जन्म हे कि गुप्तर रे कहीं प्रभु समस्ती के परिचय देवाई धर्म संस्थापना प्रभु अवतार नि जिते प्रभु कृष्ण अवतार ने समस्त कौन गोपी गोपाल प्रभु को जानते ये होंगे प्रभु बोली समस्ते जाणि नथिले जेतेबेले राम अवतार नेले समस्ते कहले दशरथंकर सुत ये दशरथ पुत्र श्रीरामचंद्र ये मर्यादा पुरुषोत्तम एवं साकार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म रामचंद्र बोली समस्ते बुझी पारिले नाही तेणुकर महापुरुष कहले कहले जन्म लभिवे गुप्तरे थिबे प्रभु गुप्तरे रहिबे अभय पंजर महिमा मंदर कलना के करी पारी कोटि कल्पे ब्रह्मा बुझी न पारिबे आसीबे से मर्त्यपुरी कहले अभय पंजर महिमा मंदर जार महिमा अभय
ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଏ ସଂସାର ଯେତେ ଦୁଃଖ, ସଂସାର ଯେତେ ଭୟକୁ ଦୂର କରିଦିଏ ନିମିଷକ ମାତ୍ରରେ। ଅଭୟ ପଞ୍ଜର ମହିମା ମନ୍ଦର କଳନା କିଏ କରିପାରେ, ତା'ର କଳନା କିଏ କରିପାରିବ? ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତା ସତୀ ସରସ୍ୱତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ବନ୍ଦନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତା'ର ମହିମାକୁ କିଏ ବୁଝିବ? ତେଣୁକରି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, କହିଲେ କୋଟି କଳ୍ପେ ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝି ନ ପାରିବେ ଆସିବେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ହେବ, ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିବା ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିବ? କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରବଚନ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ନହେଲେ ବିନା ଆଶ୍ରିତରେ କେହି ନ ରହିବେ, ଯୁଗ ଭାଗେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ପୁନର୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।